हाई एवरी वन गुड इवनिंग टू ऑल एंड हैप्पी गुड़ी पड़वा हैप्पी बैसाखी हैप्पी नवरात्रे हैप्पी युगा हैप्पी बीहू टू एवरी वन आज हम लेके आए हैं एक और लर्निंग जो है आपकी राजस्थान रॉयल एंड पंजाब के बीच की एंड आई एम श्योर आप लोगों ने मैच को इन्जॉय किया होगा काफ़ी लेट लाइट तक मैच चला काफी देर तक मैच चला आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं और जिससे पहले हम बात करें आई एम श्योर आई डोंट नो वेदर यू आर लाइकिंग अवर लर्निंग और नॉट ऑल दो वी आर नॉट क्रिकेटर आई एम नॉट ए क्रिकेटर ही इज क्रिकेटर माई एल्डर सन इज ए क्रिकेटर एंड आई वॉन्ट टू टीच दैम की हाउ यू कैन लर्न एंड हाउ यू नीड टू सी एंड ऑब्जर्व दैट हाउ प्लेयर्स आर प्लेंग एंड वट काइंडेवियर वट काइंडीट्यूड दे आर शोइंग वेन दे आर इन द ग्राउंड नाउ इफ यू टॉक अबाउट अगर आपने देखा होगा सकारिया जो यंग लड़का जो पहले नेट बॉलिंग करता था लास्ट ईयर तक उसने नेट बॉलिंग करी थी आज आई के मैच में वो खेल रहा था फर्स्ट ओवर उसने डाला उसका जो बॉलिंग किया दैट इज डेफिनेटली इज अ लर्निंग बट द बिगेस्ट लर्निंग विच वी सॉ एंड आई डोंट नो वेदर यू हैव ऑब्जर्व इट और नॉट वेन ही वॉज प्लेइंगी वॉज इंजॉयिंग हिस्स गेम ही वॉज एंजॉय जब वो विकेट ले रहे थे जब वो फील्डिंग कर रहे थे जो उसका जो जोश था जो उसकी स्माइल थी यू कैन सी दैट सो माई डियर फ्रेंड वेन यू प्ले एन्जॉय योर गेम एंजॉय योर गेम एन अदर थिंग विच वी सॉ दैट कि जब भी आप कैच पकड़ते हैं और द वे सकारिया ने जो कैच पकड़ा था हवा में उछल के आपकी उंगलियाँ नीचे होनी चाहिए अगर उंगलियाँ नीचे नहीं हों बॉल गिर गई जमीन पर या टच हो गई तो कैच नहीं माना जाएगा फैंटेस्टिक कैच उसने लिया और उसका वीडियो देख नाउ लेटस हेयर फ्रॉम विराज क्या वो बोलना चाहते हैं यू इज गोइंग टू टॉक अबाउट संजू रियली एप्रिशिएटेड द बैटिंग ऑफ संजू सैमसम बट ही देर आर वेरी स्लाइट मिस्टेक विच माई डैड विल टेल इट सो वी मस्ट अप्रीशिएट द संजू सैमसम द वे यू नो ही बैटेड एंड पूरा टीम को ले कर चला बट जो लास्ट मोमेंट पे जो लास्ट मोमेंट पे आप उसको डिसीजन बोलो मिस्टेक बोलो खैर डिसीजन आप नहीं लोगे तो आपको अपनी मिस्टेक्स का पता नहीं चलेगा और मिस्टेक्स नहीं होंगी तो आप उसको सुधार नहीं पाओगे लेकिन इसमें जो देखने वाली चीज़ ये थी कि जो सेकंड लास्ट बॉल पे वहाँ पे एक रन बनता था और क्रिस मॉरिस जो अदर साइड खड़े थे वो एकदम उनके पास चले गए थे वहाँ से उनको संजू ने वापस भेजा क्रिस मॉरिस अपने आप में एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं एंड सबसे महंगे प्लेयर थे उनको वापस भेजा क्या वो सही था इसमें एक और चीज़ निकल के आती है कि अगर आप कैप्टनशिप कर रहे हो तो आपने अगर किसी प्लेयर को जो अपने आप में बहुत बड़ा प्लेयर है उसको आप वापस भेजते हो दैट मीन्स यू एज ए कैप्टन यू आर नॉट ट्रस्टिंग योर टीम एंड इफ यू आर नॉट गोइंग टू ट्रस्ट योर टीम माय डियर फ्रेंड इट बिकम्स यू नो क्रिटिकल टू अचीव एंड वी डोंट नो वह संजू सैमसन का भी छक्का जा सकता था हो सकता है क्रिस मॉरिस क्रीज पे आते तो वो भी सिक्स मारते हैं उनका भी उतना कैपेबिलिटी है लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ आती है ट्रस्ट की वाई यू आर नॉट ट्रस्टेड योर प्लेयर और हम बात करें कम्युनिकेशन 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 की यहां पे भी आपने देखा होगा कि जब बेन स्टोक का जब कैच लिया गया था तो यहां से शमी और उधर से राहुल दोनों आपस में भिड़ गए हालांकि कैच पकड़ लिया गया लेकिन इस चीज में हमें करना क्या पड़ता है अगर आपको लग रहा है कि सामने कैच है देन यू हैव टू कॉल दैट दिस इज माइंड एंड दिस इज हाउ यू कम्युनिकेट एंड दैट इज हाउ द कम्युनिकेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी गेम और फॉर आवर लाइफ सो आज मुंबई एंड के के आर और मुंबई के के आर में आई एम सपोर्टिंग मुंबई you are supporting kkr he is supporting kkr so let's see who is going to win the match and of course before winning we are very interested to know that what kind of learning we are going to get from these young talented cricketers from ipl thank you very much for listening to me and joining chain of life and subscribe to the channel and like the video like the video see you next time bye bye